बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन एंड सेफ। मे अल्लाह कीप यू सेफ एंड हेल्दी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लॉकडाउन की वजह से स्कूल क्लोज हो गए हैं, बट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने स्कूल अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है, इसलिए आप लोगों को ऑनलाइन लेक्चर दिए जाएंगे और आप लोगों को जो डेली का पढ़ाया जाएगा आपने साथ साथ लर्न करना है। आज मैं आप लोगों को ऐसे करवाऊँगी ओवर हॉली प्रॉफिट। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। ओवर हॉली प्रॉफिट, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ ओवर हॉली प्रॉफिट। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी रसूल हैं, हमारे नबी हैं। ही वाज बॉर्न इन मक्का, वो मक्का में पैदा हुए। इन 571 AD, वो 571 हिजरी में पैदा हुए, मक्का में पैदा हुए। हिज़ फादर नेम वाज अब्दुल्ला, उनके अबू का नाम अब्दुल्ला था। ही मैरिड हज़रत खदीजा, उन्होंने हज़रत खदीजा से शादी की एट द एज ऑफ 25, 25 साल की उम्र में उन्होंने हज़रत खदीजा के साथ शादी की। व्हेन ही वाज 40, जब वो 40 साल के हुए, ही वाज चूज़न द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, तो उन्हें अल्लाह ताला ने अल्लाह के पैगंबर मुंतखब हुए। एट द टाइम, इस वक्त द मक्कान, जो मक्का थे, वर्शिप पूजा करते थे आइडल्स बुत की, मेड ऑफ वुड एंड स्टोन, जो पत्थर और लकड़ी के बने हुए जो बुत थे उनकी पूजा करते थे। ही उन्होंने आज का टाइम उन्हें टू गिव अप, उन्हें तर्क करने को कहा, वर्शिप आइडल, उन्होंने बुतों की पूजा को तर्क करने की उन्हें तरकीब दी, यानी उन्हें कहा। ही उन्होंने एडवाइस किया दैम उन्हें टू बिलीव, यकीन रखने को, इन वन अल्लाह, उन्होंने अल्लाह पर यकीन लाने के लिए उन्हें कहा। ही उन्होंने द पीपल, लोग टर्न अगेंस्ट हिम, जो लोग थे वहाँ के, जो लोग थे वो आपके मुखालिफ हो गए। ही हैड टू माइग्रेट, तो आपने हिजरत की टू मदीना, अपने मदीना की तरफ हिजरत करना पड़ी। इस्लाम बिगन टू स्प्रेड रेपिडली, इस्लाम जो है तेज़ी से फैलने लगा। द मक्कान, मक्का के जो अहले मक्का थे, कुड नॉट टॉलरेट, ये बर्दाश्त ना कर सके। मैनी, बहुत सी बैटल्स वर फॉट, बहुत सी जंगें लड़ी गई। एट लास्ट, आखिरकार, द मुसलमान एंटर, दाखिल हो गए मक्का में। एज कंकरस फता फातह होकर वो मक्का में दाखिल हो गए। इस्लाम स्प्रेड, फैल गया टू द अदर कंट्री, दूसरे मुल्कों में ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के दूसरे मुल्कों में इस्लाम फैलना शुरू हो गया, फैल गया। ही डाइड, आपका वसाल हो गया एट द एज ऑफ 63, 63 साल की उम्र में आपका वसाल हो गया। इसके साथ मैं आप लोगों को एक और ऐसे करवाऊँगा, इसके साथ हम लोग एक और ऐसे करेंगे, अल्लामा इकबाल ऐसे। अल्लामा इकबाल वॉज बॉर्न इन सियालकोट ऑन नवंबर 9, 1877 में, सियालकोट में अल्लामा इकबाल पैदा हुए। हिज़ फादर नेम वाज नूर मोहम्मद, उनके वालिद का नाम नूर मोहम्मद था। ही वाज शेख बाई कास, वो ज़ात से शेख थे। ही लर्न अरबिक एंड पर्शियन फ्राम मीर हसन, उन्होंने मीर हसन से अरबी और पर्शियन सीखी। ही डिड हिज़ एफ़ ए फ्राम मेरे कॉलेज सियालकोट, उन्होंने मेरे कॉलेज सियालकोट से उन्होंने एफ ए किया। ही डिड हिज़ एम ए फ्राम कॉमर कॉलेज लाहौर, उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एम ए किया। हिज़ प्रोफेसर ने एडवाइस किया ही मोने टू डेवेल्प, तरक्की करने को, हिज़ पोइटिक टैलेंट, अपनी जो शायरी की जहानत है उसको तरक्की देने का मशवरा दिया। ही एक्टेड अपॉन हीज़ एडवाइस, उन्होंने उनके जो नसीहत है उस पर अमल किया। ही स्टार्टेड राइटिंग, उन्होंने लिखना शुरू की राइटिंग पोइट्री, उन्होंने शायरी लिखना शुरू की। देन ही वेंट टू इंग्लैंड, फिर आप इंग्लैंड चले गए। देयर जहाँ पे ही स्टडीड ला, जहाँ पे उन्होंने ला की तालीम हासिल की। ही डिड हिज़ PhD फ्राम जर्मनी, उन्होंने जर्मनी से PhD की। ऑन हिज़ रिटर्न, वापसी पर ही उन्होंने प्रैक्टिस मशक की ला की, कानून की। फ्राम सम टाइम, बाजू का सुन, जल्दी ही लेफ्ट दिस प्रोफेशन, जल्दी उन्होंने ये जो पेशा था उन्होंने छोड़ दिया। ही बिगन टू राइट पोइम्स, उन्होंने सिर्फ जो पोइम्स हैं नज़में लिखना शुरू कर दी। हिज पोइम्स गिव अस द मैसेज ऑफ होप एंड सक्सेस, उनकी जो पोइट्री है वो हमें कामयाबी और उम्मीद की का पैगाम देती है। ही अरोज़, उन्होंने जगाया द मुसलमानों को विद हिज वर्सेस, अपने शायरी से उन्हें जगाया। ही गेव देम द आइडिया ऑफ सेपरेट होमलैंड, उन्होंने अलहदा वतन का आइडिया दिया। एट दैट टाइम मुस्लिम कॉल्ड इट द ड्रीम ऑफ द मैडमैन, ये लोग तब उन्हें एक पागल की या दीवाने का ख्वाब कहते थे। ये आप लोगों ने ऐसे जो पूरा लर्न करना है। स्टे होम, स्टे सेव योर लाइफ, गुड बाय।